फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी सहकारी भर्ती बोर्ड की आपकी क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। उसमें हम बात करेंगे, अभी संक्षेप में आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मैं नोटिफिकेशन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी सिलेबस की और सारी जो अन्य डिटेल है उनके बारे में अलग से जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने फ्रेंड ये बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाना चाहता हूं। उसकी पूरी डिटेल है नोटिफिकेशन के थ्रू, आप जरूर देखें। इस पार्ट में आपको नोटिफिकेशन की संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दूंगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में बात करेंगे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, तो उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन की जानकारी दिखा देता हूँ, फिर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चलेंगे। तो फ्रेंड ये इसका नोटिफिकेशन है जो 44 पेज का है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर, आपकी जो उसकी वैकेंसी निकली है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। कोऑपरेटिव आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर की आपकी जो वैकेंसी 385 पोस्ट है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी। तो यहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन में आपको जो जानकारी है कि नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया के बाद आपकी वैकेंसी डिवाइड कर रखा है उनको यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको जो डिवाइड कर रखा है उनको यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यह आपके 8 से 10 पेज तक रहेगी, तो 13 पेज तक आपको यही आपको जानकारी देना है। 13वें पेज पर हमारे देखिए आपको जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी हमारी वैकेंसी, हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लास्ट डेट रहेगी इसमें आपकी आवेदन करने की उन सब के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो फीस रहेगी क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट सेल्समैन गोडाउन कीपर आप टाइपिस्ट कैशियर स्टोर कीपर की वैकेंसी हैं। यहाँ पे आपको आपकी जनरल ओबीसी वालों की फीस रहेगी बीसी एमबीसी की। ठीक है, उनकी जो फीस रहेगी जो कि अदर कैंडिडेट एससी एसटी एमबीबीसी एमबीसी अदर स्टेट के हैं उनको यहाँ 1200 रुपये, एससी एसटी जो कि नॉन क्रीमी लेयर हैं और बीसी एमबीसी जो राजस्थान के उनको 600 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम प्लेस एग्जामिनेशन के बारे में देखने को मिल जाएगा, इसकी मैं डिटेल पूरी आपको जो पूरी अलग से जान। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम के बारे में आ रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भी आपको मैं पूरी आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 20 मार्च से और 20 चार तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ये लास्ट डेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आवेदन करने की तिथि है, ये मैंने बता दिया आपकी सारी लगभग कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन की जानकारी वो दे दी है। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। ठीक है, आपकी क्लोजर एडिंग एप्लीकेशन की है 20 अप्रैल, लास्ट डेट प्रिंटिंग और एप्लीकेशन 5/5/2021, ऑनलाइन फी पेमेंट करने की 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आएगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम कन्फर्म फर्स्ट नेम मिडिल नेम फिर से मिडिल नेम लास्ट नेम कन्फर्म लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम पूरा डिस्प्ले होगा, आपका मोबाइल नंबर आपका कन्फर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वो दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करना है उसी जो ईमेल आईडी ऊपर रखी है पूरी यहाँ पे आपको फिल करनी है, यहाँ पे कैप्चा इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसका फोटो सिग्नेचर ये आपका आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपको फाइनेंस ओके करने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें, इसके बाद यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए आपको सावधानी से पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके करें। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन श्योर होने के बाद आपकी कोई गलती नहीं है उसके बाद ही यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए फोटो सिग्नेचर। फ्रेंड इसके बाद जो हमारा स्टेप है फोटो सिग्नेचर का है, यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर की गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, डायमेंशन आपको 200 से 230 केबी के बीच में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे सिग्नेचर का आपको 10 से 20 केबी का डायमेंशन 140 से 160 पिक्सल के बीच में रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने दी, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर देंगे, अपलोड करने बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है उसकी आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपको क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होगी, यहाँ पे आपको बताना होगा आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से है आपको यहाँ पे बताएं। यहाँ पे आपको देखिए इसको जैसे करेक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे उसको आपका एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर से, आप उसको पढ़ लें।
ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे एक बार आपको भरने से पहले ध्यान में रखें, फिर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले पूरी एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी का आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल डिसेबल्ड है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना हो। तो यहाँ पे आपको देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, जिस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अगर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपके जिस टाइप की डिसेबिलिटी यहाँ पे बताएं उसके यहाँ पे परसेंटेज हैं वो सब आपके आपके डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तब यहाँ पे फिजिकली डिसेबल है यस या नो कर, आपकी किस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे सेलेक्ट करते हैं आपको देखिए नीचे आपको जिस टाइप की डिसेबिलिटी उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका ओपन होता जाएगा। इसका आपका ये फिजिकल डिसेबिलिटी के ही सारे लगभग ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको देखा डू यू नीड टू कंपलसरी टाइम एट द ऑफ एग्जामिनेशन यस या नो करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप सफरिंग कर रहे हैं सर्वल पैरालिसिस से, अब स्पीक आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है यस या नो करना है। ठीक है, इफ यू नीड यस या यस करते हैं तो यहाँ पे डू यू नीड कंपलसरी टाइम एग्जाम यस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर यू डोमिनेट राइटिंग अफेक्टेड यस या नो करना पड़ेगा, यस करते हैं तो डू यू नीड कंपलसरी टाइम यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं और सर्विस यूज इन सर्विस स्क्राइब इन अवेलेबल टाइम यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप जो अंडर TSP और नॉन TSP एरिया है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे आप बताना है, जो TSP एरिया से हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नहीं है तो, क्या आपको देश का RUC की रिजर्वेशन अंडर द विडो और डिवोर्सी यस या यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, अगर नहीं है नॉट अवेलेबल पर क्लिक करते हैं। क्या एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग ICU, ECU या एंड SSCO यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यस यू करने पर आपको मैक्सिमम ईयर यहाँ पे आपको जिनकी जानकारी देनी होगी, आपके कितने मंथ आपने काम किया उसके बारे में। आर यू रिजर्वेशन आपका डिफेंस पर्सनल आप एक्स आर्मी पर्सनल कीप इन रिजर्वेशन लिस्ट यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके पूछा हैवी विन आपका कन्फर्म मिलिट्री क्रॉस वीर चक्र एंड अदर गारंटी अवार्ड सॉरी ग्लैनेटरी अवार्ड यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है आपके राजस्थान की डोमिसाइल है, यस करने पर यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का लाभ ही तब मिलेगा जब आपको राजस्थान स्टेट के होंगे, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जेंडर मेल फीमेल है, यहाँ पे बताना है क्या आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं सहकारी उपभोक्ता होलसेलर भंडार के जो कि कार्य विक्रय सहकारी समिति के, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या थ्रू आपका सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। यस करने पर आपको डिटेल देनी होगी, क्या आप नेशनल सिटीजन है इंडिया के तो यहाँ पे यस कर यहाँ पे बता दें। क्या आपका ऑनलाइन सेंटर आ रहा है, आप किसको चुनना चाहते हो यहाँ पे आपको बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इसकी जानकारी देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए इसके बाद आपको बताना होगा ब्रदर आपके ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपका नेम आप उनका ट्विन जेंडर के आपके जो थे उनके मेल हैं फीमेल उनकी जानी आपकी शादीशुदा हैं या नहीं उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे बताना है आपके एक से अधिक ज़्यादा वाइफ हैं उसके बारे में, आपका हैव यू अ मैरिड पर्सन हैविंग ऑलरेडी स्पाउस लिविंग यस या नो करना है। हैव यू एक्सेप्टेड डाउरी यस या नो करना है। आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताना है 1/6/2002 के अनुसार, अगर एक से अधिक हैं तो यहाँ पे बताएं या दो हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको डू हैव चाइल्ड बॉर्न अर्लियर डिलीवरी हैविंग डिसेबिलिटी यस या नो कर सकते हैं। आर यू कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी वन चाइल्ड फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी बट मोर देन वन चाइल्ड आर बॉर्न एट अ सिंगल सब्सिक्वेंट डिलीवरी यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल ऑफ चिल्ड्रन की आ रही है वो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब तब फ्रेंड होगा जब मैं यहाँ पे सबको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको नेम ऑफ चाइल्ड डिटेल ऑफ चिल्ड्रन की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। यहाँ पे फादर नेम मदर नेम स्पाउस नेम और एड्रेस यहाँ पे आ रहा है उसकी जानकारी दें। ठीक है, जिस स्टेट से हैं उसके बारे में पिन कोड यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे आपको इस पर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए GST के लिए यहाँ पे आप आ रहा है तो आपको परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस उनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी आप डिटेल पर क्लिक करेंगे, जिससे क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं गलती होगी सुधार उसको आप चेक कर लें, अगर गलती आती है तो वहाँ पे सुधार करने को बोला जाएगा, वहाँ पे सुधार करने का सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार जरूर चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपका जो कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके आएगा, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंस पे आएगा, यहाँ पे आपको बताना है आपकी ग्रेजुएशन किससे की है आर्ट्स से, यहाँ पे डेट ऑफ आपको पासिंग बतानी है, परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको ग्रेड बताना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, यहाँ पे इसका आपका पासिंग मार्क्स
और परसेंटेज यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्रेड बताने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जो जानकारी आ रही है आपको बताना है, अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं यस यहाँ पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, तो इससे आपका ऑप्शन है डिसेबल हो जाता है, अगर नो करने पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी आपकी सर्विस आ जाएगी, आपकी जो भाषा जानते हैं उसके बारे में रीड राइट स्पीक है उस पर तीनों पर टिक कर दें, जैसे हिंदी जानते हैं तो रीड राइट, इंग्लिश जानते हैं तो रीड राइट स्पीक, आप तीनों पर टिक कर देंगे, ठीक है। उसके वैलिड और डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस क्या एक से अधिक है तो यहाँ पे ऐड मोर पे आके और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद जो आपका प्रीव्यू होगा, जो आपने डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सबमिट करने को पूछा जाएगा एग्री और टर्म कंडीशन, तो आपको एग्री करने के बाद वहाँ पे सबमिट करें। एक बार एग्री करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें, कोई गलती है सुधार कर लें बैक जाकर, तो यहाँ पे करने के बाद सुधार कोई गलती नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर उसके अपलोड में आपका जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके हाई स्कूल ग्रेजुएशन की मार्कशीट या आपका अन्य जो कुछ सर्टिफिकेट वो आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट का यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपकी ये बेसिक जानकारी मैंने दे दी है, किस तरीके से आवेदन करना होता है इसके ऊपर मैंने ये पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है फॉर्म फिल करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये वैकेंसी थी हम राजस्थानी सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिसके मैंने आपका नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको संक्षेप में और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। कोई प्रॉब्लम होती है फॉलो फॉर्म भरने में तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, कमेंट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पे नीचे दिए गए लिंक से जोड़ सकते हैं। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।